हेलो बच्चों, आज हम पीजीटी केमिस्ट्री यानी यूपी पीजीटी केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट करना जा रहे हैं। जो फर्स्ट चैप्टर, जैसे हमने पिछले डिस्कस किया था कि हम और डॉक्टर मनीष गुप्ता जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे एंड डॉक्टर शैलेश कुमार जो फिजिकल पढ़ाएंगे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम दोनों मिल के पढ़ाएंगे। यानी पूरी टीम हमारी डॉक्टर मनीष गुप्ता यानी मैं एंड डॉक्टर शैलेश कुमार दोनों लोग यूपी पीजीटी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। जो आज हम पहला जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो फर्स्ट चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी जिसको हम बोला जाता है शोल। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इसी को बोला जाता है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको क्या बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सोल। यानी जिसको किसी भी एग्जाम में अगर ऑर्गेनिक वहाँ आता है, लगभग 20% इस चैप्टर से आते हैं। यानी इस जो यूपी पीजीटी 2020 का देखा जाए, यूपी पीजीटी केमिस्ट्री 2020 का अगर देखा जाए, जो अगस्त 21 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से 14 to 15 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे। जो 14 to 15 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, 14 to 15 क्वेश्चन से हम इंटरव्यू में सेलेक्ट हो सकते हैं और सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर को इग्नोर करना बहुत ही गलत बात होगा। अगर ये चैप्टर हमें आता भी नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम जीरो रहेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान के चलो सिर्फ दो चार क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जीरो रहेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आने के लिए यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने के लिए ये चैप्टर आना बहुत ही मस्ट है। यानी इस चैप्टर को हमें अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से डिस्कस करना है, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हम तीन सब चैप्टर होते हैं, तीन सब चैप्टर होते हैं। जो पहला सब चैप्टर होता है जिसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी नाम से जानते हैं, ठीक है, जीओसी नाम से जानते हैं। दूसरा जो चैप्टर होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तीसरा जो चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर एंड तीसरा चैप्टर। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ये हो गया, इसको ही बोलते हैं, यानी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों है। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली हम पढ़ते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको एक और नाम से जाना जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी सिलेबस हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, सिलेबस हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सिलेबस हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देख ले रहे हैं। क्या क्या पढ़ना है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर रिएक्शन इंटरमीडिएट, तीसरा चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो किसका, सारा खेल इलेक्ट्रॉन को होता है, सारा खेल इलेक्ट्रॉन को होता है, यानी गेमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का आना जाना, इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है वो हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है वो सब हम यहाँ पे देखेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉन इधर से यानी इस साइड से उस साइड कैसे मूव करेगा, यानी क्यों मूव करेगा, वो सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन एक जगह था तब कंपाउंड न्यूट्रल था,
जब इलेक्ट्रॉन एक जगह था कंपाउंड न्यूट्रल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन पे यानी कंपाउंड पे क्या चार्ज हो गया, कंपाउंड पे कुछ चार्ज जनरेट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह था तो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, यानी चार्ज बन गया। जब चार्ज बन गया तो चार्ज बनने के जो प्रोसेस को, यानी चार्ज बनने का जो कंपाउंड रहता है उसको बोला जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। उस कंपाउंड रहता है उसको बोला जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट हम छह तरीके से पढ़ना है, छह टाइप का पढ़ना है, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। जब रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया, यानी कंपाउंड पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया, यानी चार्ज जनरेट हो गया। जब चार्ज जनरेट हो गया यानी क्या हो जाएगा, कंपाउंड कोई भी ऑर्गेनिक स्पीसीज क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। कोई भी ऑर्गेनिक स्पीसीज अनस्टेबल हो जाएगा, यानी चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। जब चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव चार्ज से रिएक्ट करेगा, फ्री रेडिकल वाला फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगा। यानी क्या पढ़ेंगे तब हम, कैसे रिएक्ट करेगा वो पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म। हम पहला क्या चैप्टर, पहला हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कैसा फ्लो कर रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, वो हम देखेंगे। दूसरे में पढ़ेंगे चला गया इलेक्ट्रॉन या आ गया इलेक्ट्रॉन तो उस पर जनरेट हो जाएगा चार्ज, और कौन सा चार्ज जनरेट होगा, कैसे चार्ज जनरेट होगा, वो पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट में। फिर उसके बाद पढ़ेंगे जब चार्ज जनरेट हो गया यानी वो चार्ज न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, यानी रिएक्शन करने का, और रिएक्शन कैसे करेगा वो पढ़ेंगे सारा हम रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गई, क्या हम पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार मैं फिर से बता दूँ, सारा खेल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन को होता है, सारा खेल इलेक्ट्रॉन को होता है। तो ये सारा खेल इलेक्ट्रॉन को होता है, ये बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे पहला चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या एग्जाम में आया था, क्या क्या नहीं आया था, वो सारा सिलेबस पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने यहाँ पे देख लिया। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक में हमने बताया जीओसी या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इसमें पहला जो टॉपिक है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो पहला टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट, जो सभी जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है होता है, ये सभी को पता है क्या होता है क्या नहीं होता, ये सभी जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, वो कैसे होता है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला जो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है और होने के बाद किस टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, यानी प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, ये सब देखेंगे। फिर इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या जनरेट हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, उसकी वजह से क्या जनरेट होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, उसकी वजह से क्या जनरेट होगा, अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी की वजह से इसकी एप्लीकेशन यूज आते हैं, तो एप्लीकेशन इसके पढ़ेंगे, तो एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से पढ़ेंगे एप्लीकेशन इसके, क्या 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 होता है, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एसिडिटी एंड बेसिसिटी, और एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट सुनना ध्यान से। इंडक्टिव इफेक्ट में हम पहले पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एसिडिटी बेसिसिटी, फिर उसके बाद देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बन गया है वो स्टेबल है कि नहीं है, वो हम यहाँ से इसकी एप्लीकेशन चेक करेंगे, जो इस बार यूपीपीजीटी में तीन क्वेश्चन आए थे, जो इस टॉपिक से सिर्फ इस टॉपिक से उसके एप्लीकेशन से तीन क्वेश्चन थे इस टॉपिक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्या, इसको महा इंपॉर्टेंट लगा लो, इसको महा ही इंपॉर्टेंट लगा लो इस टॉपिक को,
दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, पहला ये हो गया, दूसरा टॉपिक है रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस में जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रेजोनेंस, कितने प्रकार के रेजोनेंस होते हैं, ठीक है। जब प्रकार पढ़ लिए यानी टाइप ऑफ रेजोनेंस पढ़ लेंगे, तो उसके बाद क्या जनरेट होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जनरेट होगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर जनरेट होगा तो क्वेश्चन आता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, कौन स्टेबल ज्यादा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, कौन कम होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा यूपी पीजीटी में इस बार आया हुआ था, ठीक है, तीन क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये हम देखेंगे, कैसे स्टेबल होगा, कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा। बहुत ही कंफ्यूजन होता है टॉपिक, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन मैं जो बताऊंगा एकदम सीरियल वाइज से क्लियर होता चला जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा ही, कोई भी एक्सेप्शन, कोई डाउट। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, मैं गारंटी देता हूं आप लोग अगर हमारे साथ यानी डॉक्टर मनीष गुप्ता, ठीक है, हमारे साथ अगर 6 महीने लग गए आपको ईपीपीजीटी 2021 जो 2022 सॉरी 2022 या 23 में जो आने वाला 22 में आएगा, तो ईपीपीजीटी जो 2022 में आने वाला वो आप क्रैक कर जाओगे, ठीक है, पक्का क्रैक कर जाओगे अगर आप हमारे साथ लग गए। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ रटवाऊंगा नहीं, कोई भी केमिस्ट्री का टॉपिक होगा रटवाऊंगा नहीं, सबको सिखाऊंगा, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो रटने में यानी समझने में इजी हो जाता है, तो रटने कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। रटना वहाँ पड़ता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो वहाँ रटना पड़ जाता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी और रेजोनेंस, फिर उसके बाद पी पाई डी पाई डी लोकलाइजेशन देखेंगे, इसके पी पाई डी पाई डी लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन, ठीक है, पी पाई डी पाई डीलोकलाइजेशन प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट भी देखेंगे, ठीक है। रेजोनेंस को कहीं कहीं मेजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, यानी प्लस आर इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट, बात सेम ही, किसी बुक में प्लस एम दिया किसी बुक में माइनस एम दिया तो उसके कोई लेना देना नहीं, उससे डजंट मैटर, चाहे प्लस आर पढ़ो चाहे माइनस एम पढ़ो, ठीक है। ये हो गया हमारा दो टॉपिक। अब तीसरा टॉपिक जो होगा, तीसरा टॉपिक यहाँ पे लिखते हैं, तीसरा टॉपिक जो आप लोग जानते हैं, सभी जानते हैं, कौन कौन सा, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन दो होता है, प्लस एच हाइपर कंजुगेशन और माइनस एच हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन किसकी किसकी देखते हैं, एल्कीन का देखते हैं, फ्री रेडिकल का देखेंगे, सॉरी डिलीट हो गया, हाइपर कंजुगेशन किसका किसका देखेंगे, प्लस एच एंड माइनस एच, प्लस एच एंड माइनस एच, ठीक है, प्लस एच एंड माइनस एच किसका किसका देखते हैं, कहाँ कहाँ पे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हम जनरली कहाँ कहाँ पे देखते हैं, एल्कीन में होता है, कार्बोकेटायन में होता है, ठीक है, और फ्री रेडिकल। कार्बोएनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, और क्यों नहीं होता वो सब हम रीजन जब हम डिटेल में पढ़ने लगेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन तब बताएंगे, ठीक है। तीसरा टॉपिक ये था। चौथा टॉपिक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट, ये देखेंगे, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस इफेक्ट। अभी जो तीनों इफेक्ट हम पढ़े कौन कौन सा, मतलब पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट,
रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, दिस इज परमानेंट इफेक्ट। यानी तीनों ऊपर के जो थे परमानेंट इफेक्ट जिन, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा होता है, टेम्पररी इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा होता है, टेम्पररी इफेक्ट होता है, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं होता। बाकी वो तीनों कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो सब हम रीजन डिटेल में पढ़ेंगे अभी कुछ टाइम में, तो हम बताएंगे क्यों होता है। छठवां टॉपिक, पांचवा टॉपिक सॉरी, एरोमेटिसिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग सभी लोग जानते हैं एरोमेटिसिटी। इस क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा आता है, आप लोग पढ़े भी हो एरोमेटिसिटी। आप लोग दो तरीके से या तीन तरीके से एरोमेटिसिटी पढ़े होंगे, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। लेकिन और भी टाइप होते हैं, होमो एरोमेटिक, क्रैक्स रूल, हकल रूल एंड एफएमओ थ्योरी एंड पीएमओ थ्योरी, सारा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी में, क्योंकि इस बार क्रैक्स रूल से क्वेश्चन आया था, इस बार क्रैक्स रूल से क्वेश्चन आया था एरोमेटिसिटी में। तो इस बार हम सारा पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी में कितने टाइप होते हैं, कौन कौन सी थ्योरी होती है एरोमेटिसिटी में, वो सब हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिसिटी में, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन वैसे तो हम देख यहाँ नहीं जाता, वो अलग से चैप्टर ही है केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन यहाँ पे जानना जरूरी है हाइब्रिडाइजेशन। विदाउट हाइब्रिडाइजेशन का हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, तो विदाउट हाइब्रिडाइजेशन का हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। अब दूसरा सब चैप्टर, ये अब हम पहला जो सब चैप्टर देखे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह गया, उसकी वजह से क्या हुआ हमारे कंपाउंड में, यानी ऑर्गेनिक स्पीसीज में क्या जनरेट हो गया, चार्ज जनरेट हो गया, पार्शियल चार्ज जनरेट हो सकता है या फुल्ली चार्ज जनरेट हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या बन गया, स्पीसीज रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया, यानी एक जो प्रोसीड था यहाँ से यहाँ चला आया, तो यहाँ चला आया तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया, यानी दूसरा जो सब चैप्टर रहेगा हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट रहेगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारा छः टाइप का रहेगा, छः टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन, ये सब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब देख लेते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन कौन सा होता है, जो दूसरा सब चैप्टर रहेगा, दूसरा सब चैप्टर रहेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट में पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे कार्बोकेटायन, ठीक है, कार्बोएनायन, कार्बोकेटायन में क्या क्या हम देखेंगे, कार्बोकेटायन में एक बार हम बता देते क्या क्या देखेंगे, वो जानना जरूरी हो जाता है कि कार्बोकेटायन में पहली बात देखेंगे टाइप ऑफ कार्बोकेटायन, जो बच्चे नहीं जानते वो मैं बता दूँ कार्बोकेटायन कितने प्रकार का होता है, बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं कितने टाइप के कार्बोकेटायन होता है, पहली बार नाम सुनेंगे, कौन सा, क्लासिकल कार्बोकेटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, बहुत लोग शायद कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे, क्लासिकल कार्बोकेटायन एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। क्लासिकल कार्बोकेटायन जो होगा 6-7 टाइप होगा, क्लासिकल कार्बोकेटायन जो होगा 6-7 टाइप होगा, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, 6-7 6-7 टाइप होगा, सारा हम डिस्कस करेंगे 6-7 टाइप का, क्या जैसे बेंजाइन कार्बोकेटायन, एलाइलिक कार्बोकेटायन, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन, मिसलेनियस कार्बोकेटायन, सब वहाँ पे 6-7 टाइप का पढ़ेंगे क्लासिकल कार्बोकेटायन के, ठीक है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कोई टाइप नहीं होता, ठीक, कोई टाइप नहीं होता। फिर इसके बाद जब हम ये पढ़ लेंगे तो फिर पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। आप लोग धैर्य बनाए रखिए, अभी मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ,
सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम चैप्टर पाते हैं, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि बहुत बच्चों को सिलेबस ही पता नहीं रहता हमें पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन पेज के फ्रंट पेज पे अगर सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे पढ़ लेते हैं क्या रह गया क्या नहीं रह गया। उसके अकॉर्डिंग हम ये भी जान लेते हैं कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। जिस टॉपिक से एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक पहले फोकस करेंगे, लेकिन पेज यानी जो नोट्स आप बनाओगे उसके फ्रंट पेज पे सिलेबस लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हर चैप्टर का सिलेबस हर चैप्टर के शुरुआत में ज़रूर लिखो, ठीक है, और ज़रूर लिखो। ये थोड़ा इजी हो जाता है हमारे समझने के लिए और आप लोगों के समझने के लिए, ठीक है, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और किस वे में लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं वो हम लिखवा रहे हैं, स्टेबिलिटी या कार्बोकैटायन, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, ये सारा वहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जब कार्बोकैटायन मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन का वहाँ से निकलना, पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं जनरेट हो रहा है दैट मीन्स वहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन निकल गया है। जब दो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं यहाँ पे क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन की कमी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वो क्या करता है, रीअरेंजमेंट, अपने आप को रीअरेंजमेंट करता है, यानी कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन ऑफ CC मतलब होता है कार्बोकैटायन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि बहुत बार आएगा ना, कार्बोकैटायन लंबा वर्ड है इसलिए CC लिख दिया। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, देखो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह हर नेम रिएक्शन में या हर कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट आता रहता है। तो रीअरेंजमेंट क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, क्या होता है, सारा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितनी भी रीअरेंजमेंट रहेंगे एक जगह एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हर जगह अलग अलग आता है तो हम समझ नहीं पाते रीअरेंजमेंट करेगा कब कब नहीं करेगा, हम समझ ही नहीं पाते कार्बोकैटायन कब रीअरेंजमेंट करेगा कब नहीं करेगा। ये इसको बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग, इसको हम एक जगह पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, एक जगह कहीं किसी बुक में लिखा नहीं है ना कहीं है, लेकिन हमारी जो मेहनत है 5-6 सालों 10 सालों का वो हम बना के रखे हैं, तो इसको हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक देखेंगे, ये पहला टॉपिक रह गया था, ये दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कार्बोएनायन। कार्बोएनायन तीसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, कार्बीन। चौथा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, नाइट्रीन, ठीक है, कार्बीन नाइट्रीन। पांचवा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, चौथा ये था, पांचवा क्या पढ़ेंगे, फ्री रेडिकल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम जानते हैं। छठा क्या है रह जाता है, छठा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, छठा जो है बेंजाइन, सभी लोग जानते हैं बेंजाइन ये होता है, दिस इज बेंजाइन, तो इसको ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये हाईली अनस्टेबल है। हम ध्यान दें एक बात को बता रहे हैं, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, आप लोग सोचोगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगर आपसे मैं पूछूँ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आप लोग बोलोगे SP है, जबकि ये SP नहीं होता, ये SP हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। SP क्या होता है, SP का बॉन्ड एंगल 180 होता है, क्या यहाँ पे 180 है, क्या 180 नहीं है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 ही होता है, बेंजीन में भी sp2 होता है, बेंजाइन में भी sp2 होता है, sp नहीं होता, क्लियर रखना, क्योंकि ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, सूडो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड p ऑर्बिटल ओवरलैप करके नहीं बनाए, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करके बना है। कई बार क्वेश्चन आ चुका हर बार क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड लगा के आते हैं, लेकिन ये sp नहीं है, sp2 है, क्लियर रखना। और मैं इसको क्यों है कैसे है रीजन सहित सब कुछ बताऊंगा जब बेंजाइन हम पढ़ाएंगे, क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, बेंजाइन जब हम पढ़ाएंगे ये भी हम बताएंगे कब है क्यों है ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये दूसरा सब चैप्टर हमारा क्लियर हो गया,
कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की डिटेलिंग पढ़ेंगे, फिर कार्बोएनायन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन पढ़ेंगे, फ्री कार्बिन पढ़ेंगे, कार्बिन दो तरीके से होता है, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, नाइट्रीन भी दो तरीके से होता है, सिंगलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन, फिर उसके बाद बेंजाइन देखेंगे, बेंजाइन का, बेंजाइन की शेप एंड स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे रिएक्ट करता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा पूछता है और कैसे जनरेट होता है वो सब हम देखते हैं। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी और कैसे जनरेट होता है, कैसे बनता है, ये सब फ्री रेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। और आप लोग, मैं पक्के से कह रहा हूँ, 6 महीने हमारे साथ अगर आप लग गए, 6 महीने अगर हमारे साथ लग गए, मैं डिटेलिंग में केमिस्ट्री पूरी पढ़ाऊँगा, PGT केमिस्ट्री का। आपको लर्न करने की कहीं आवश्यकता नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आपको मेमोरी यानी याद करने की कोई जरूरत नहीं, हम केमिस्ट्री सिखाएंगे पूरी तरह से सिखाएंगे, याद करने की कोई जरूरत, मैं दावे के साथ कह दूँ, अगर आप 6 महीने लग गए हमारे साथ, डेली का एक लेक्चर और डेली का 4-5 घंटे आप रिवाइज करो हमारा लेक्चर, नोट्स बनाओ, नोट्स बहुत ज़रूरी होता है, आफ्टर नोट्स आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, जब चैप्टर फिनिश्ड हो जाए, जब मैं चैप्टर फिनिश कर दूं, तो उसका उस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाओ, और जो दूसरे बुक्स में रहता है, दूसरे कॉपी में बनाना, ठीक है, सेम कॉपी में शॉर्ट नोट्स में बनाना, क्योंकि सेम कॉपी में रहेगा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम टाइम हम शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करते हैं, तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है आफ्टर चैप्टर फिनिश्ड, ठीक है। और GOC के लिए मैंने बताया था 3 सब चैप्टर होते हैं, पहला जो बताया था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, दूसरा जो सब चैप्टर रिएक्शन इंटरमीडिएट, तीसरा जो सब चैप्टर है रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म, इन तीनों चैप्टर यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं बात करूँ, यानी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बात करूँ, एक आप अच्छे से मोटी सी बुक बनाना, मोटी सी नोटबुक लेना, लगभग 400 पेज का, और सारे का अच्छे से नोट्स बनाना है आपको, अच्छे से आपको नोट्स बनाना है, और जो भी डाउट रहे, क्लियरेंस रहे, जो भी डाउट रहे आप क्लियरेंस करो, मुझे फ़ोन करो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में यानी व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं से भी कॉन्टेक्ट करके आपको मुझ डाउट क्लियर कर सकते हो कभी भी एनी आवर, ठीक है। तो अब तीसरा सब चैप्टर, एक बार ध्यान देना, मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार, जो तीनों चैप्टर मैंने पढ़ाया, आप 400 पेज का एक स्पायरल आता है, ठीक है, या फिर उतनी ही मोटी कोई नोटबुक ले लेना, लगभग 400 पेज का, तो उसमें से आपको फिनिश्ड हो जाएगा इन तीनों चैप्टर का, ठीक है। अब तीसरा सब चैप्टर, क्योंकि अलग अलग नोटबुक में रहेगा, अलग अलग कॉपी में रहेगा, तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता, तो पढ़ने में मज़ा कब आता है, जब एक ही जगह हमें मिल जाए सब कुछ, क्योंकि मैं रीअरेंजमेंट देखो, मैं एक ही जगह करा दिया, अब वहाँ पे पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि एक बार अगर यहाँ पे पढ़ लिए, जब नेम रिएक्शन पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे मज़ा आएगा, क्योंकि आप पढ़ लिए हो तो एक जगह पढ़ने में अच्छा लगता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉपी में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, तब दिमाग डिस्टर्ब हो जाती, हम पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, कुछ क्लियर ही नहीं रहता, क्योंकि एक बुक अगर नोटबुक गायब हुआ तो दूसरा पता नहीं क्या दोस्त ले गया है, फिर कोई और ले गया, कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है। हाँ, एक नोटबुक आपके पास है, एक नोटबुक कहीं आपके किसी क्लोज फ्रेंड के पास है, ठीक है, ये सब दिक्कतें हो जाती हैं। तो तीसरा जो है टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वैसे तो बुक्स में एक ही पार्ट में है, लेकिन रिएक्शन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें यानी इंट्रोडक्शन पार्ट जानना ज़रूरी हो जाता है, जो कि कहीं बुक्स मिलता है कहीं नहीं मिलता, कहीं टीचर पढ़ाते हैं कहीं नहीं पढ़ाते, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा, क्या पढ़ाऊँगा, पहली बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, पहला चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, कहाँ से कहाँ जाएगा, ये तो हम पढ़ लिए, इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर आएगा, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, यानी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, और जहाँ पे जा रहा है निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, यानी दोनों बन रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, दोनों को क्या बोला जाता है, कार्बोकैटायन यानी कार्बोएनायन बनता है, यानी उनको बोला जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट,
रिएक्शन इंटरमीडिएट करने के बाद क्या करता है, रिएक्ट करता है, रिएक्ट का नहीं कैसे करेगा, यानी उसका पाथ कैसे होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो सब हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, कैसे वो रिएक्ट करेगा, कैसे नहीं करेगा, क्यों करेगा, वो सब हम डिटेल पढ़ेंगे। तो रिएक्शन करने से पहले, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बनने से पहले कहाँ पे बना है, सॉल्वेंट में बना होगा या कहीं ड्राई कंडीशन बना होगा, सॉल्वेंट का बड़ा रोल रहता है, वो सॉल्वेंट पहले पढ़ेंगे, यानी सॉल्वेंट, यानी रोल ऑफ सॉल्वेंट, रोल ऑफ सॉल्वेंट। रिएक्शन में रोल सॉल्वेंट का बड़ा रोल होता है, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट अगर चेंज होने पे रिएक्शन का दशा चेंज हो जाती है, रिएक्शन की कंडीशन चेंज हो जाती है, वो सब हम देखेंगे सॉल्वेंट में कैसे देखते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे लीविंग टेंडेंसी, लीविंग टेंडेंसी, लीविंग टेंडेंसी मतलब कौन सा ग्रुप लीव पहले करेगा, कौन सा ग्रुप लीव बाद में करेगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में लीव कौन, लीविंग कौन पहले करेगा या लीविंग कौन बाद में करेगा, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एरो, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म सभी लोग तो जानते हैं, एरो को घुमाना है, कैसे घुमाना है, कैसे नहीं घुमाना है, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। ऐसे घुमाना है या फिर ऐसे घुमाना है या फिर ऐसे घुमाना है, इन सब का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। ऐसा नहीं सब एरो सेम है, ये इसका मीनिंग होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और इसका मीनिंग होता है प्रोसीड रिएक्शन, रिएक्शन प्रोसीड, इसका इस एरो का मतलब होता है कर्ली एरो का मतलब होता है, कर्ली एरो का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कहाँ से कैसे जाएगा, किस कैसे एरो घूमेगा, कैसे नहीं एरो घूमेगा, ये सब एरो सिखाएंगे, क्योंकि एरो जो सीख गया कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कहाँ पे जा रहा है, जो एरो सीख गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख गया, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, कौन इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी अटैकिंग रीजन पढ़ेंगे, यानी क्या पढ़ेंगे, अटैकिंग रीजन, यानी इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ये पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। फिर यहीं पे देख लेंगे हम डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट वहाँ पे डिस्कस हमने नहीं किया था पहले चैप्टर में, तो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट से भी चार्ज क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, या फिर कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा नहीं न्यूट्रल है, कौन पोलर है, कौन नॉन पोलर है, ये सब डाइपोल मोमेंट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया अटैकिंग रीजन में ये सब। फिर अब हम आते हैं देखते हैं कौन कौन सा रिएक्शन होता है, तो यानी आप ध्यान दो ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बनता है, जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बनता है वो बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है। पॉजिटिव चार्ज को जनरली क्या बोला जाता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बहुत ही फास्ट रिएक्शन करता है, और उससे ज़्यादा फास्ट कौन से करता है, एसिड बेस रिएक्शन करता है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, संसार की जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सबसे फास्ट कौन करेगा, जो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, यानी जो सबसे ज़्यादा चार्ज रहेगा। अगर आप चार्ज ज़्यादा हो ज़्यादा रिएक्ट करोगे, अगर चार्ज लो हो यानी बैटरी डाउन हो तो रिएक्ट ही नहीं करोगे, हैं। जब चार्ज ज़्यादा हो आप बैटरी आपकी डाउन है तो रिएक्ट करोगे, नहीं करोगे ना, तो यही बात है। सबसे जो सबसे फास्ट रिएक्शन करता है एसिड बेस रिएक्शन करता है, जो सबसे फास्ट रिएक्शन करता है एसिड बेस रिएक्शन करता है, एसिड बेस रिएक्शन, ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि फास्ट पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद उससे शुरू कोई भी आप ऑर्गेनिक रिएक्शन लगाने जा रहे हैं, आपको ध्यान देना है कौन सी रिएक्शन करेगा, कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन पहले पहचानना है। आप देख रहे हो वहां पे एसिड प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है, तो वही रिएक्शन सबसे पहले करेगा क्योंकि वो बहुत फास्ट है। उसके बाद अगर वो नहीं प्रेजेंट है, ना एसिड प्रेजेंट है ना बेस प्रेजेंट है, तब कौन सा रिएक्शन करेगा,
तब रिएक्शन करेगा एडिशन रिएक्शन। तो कौन सा रिएक्शन करेगा? एडिशन रिएक्शन करेगा, एडिशन रिएक्शन करेगा। एडिशन रिएक्शन भी हम तीन तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। एडिशन रिएक्शन तीन तरीके से पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तीनों तरीके से देखेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जनरली कहां पर हमें मिलता है? मल्टीपल बॉन्ड में मिलता है। जनरली क्या, यहीं पे मिलता ही है। मल्टीपल बॉन्ड जहां प्रेजेंट होता है वहीं एडिशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती है। यानी मल्टीपल बॉन्ड मतलब एल्कीन या एल्काइन, एल्कीन या एल्काइन जो रहेगा वही एडिशन रिएक्शन शो करता है। देख लिया हमने, हमने चेक किया कोई भी रिएक्शन आपको मिल गई, एसिड बेस रिएक्शन पहले चेक कर लिया, वहां पर एसिड बेस रिएक्शन अगर हो रही है तो करेंगे सबसे पहले, फिर अगर वहां पर एसिड बेस नहीं पड़ जाने तो चेक करेंगे एडिशन रिएक्शन। तो क्या चेक करेंगे? एडिशन रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, यानी वहां मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एडिशन रिएक्शन चेक करेंगे, अगर मल्टीपल बॉन्ड ही नहीं प्रेजेंट है तो क्या चेक करेंगे? तब नेक्स्ट आएंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हम दो तरीके से देखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक आप लोगों को पता है, आप लोग जानते भी हैं बहुत सारे। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है बहुत सारे टाइप होता है, SN1, SN2, SNI, SNGP, SNAE, SNEA, ये सारा यहाँ हम पढ़ेंगे। कौन कौन सा होता है? SN1, SN2, SNI, SNNGP, SNAE, SNEA, ये सब हम देखेंगे। ये सब सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे टाइप के होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन्वर्जन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन यानी NGP, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन एडिशन, ये सब हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ेंगे एंड न्यूक्लियोफिलिक पढ़ेंगे, अब फ्री रेडिकल पढ़ेंगे। यहाँ भी फ्री रेडिकल का पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल, तीनों टाइप के पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा जो इंपॉर्टेंट होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन कितने टाइप का होता है? E1, E2, EI, E1CB, E1CB। इस बार E1CB से क्वेश्चन आया था PGT 2020 में, E1CB से क्वेश्चन आया था PGT 2020 बोलो चाहे 21 बोलो, 21 वो 20 का एग्ज़ाम था, अगस्त 21 में एग्ज़ाम हुआ था, तो 2020 का ही वो बोला जाएगा। तो E1 यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन, इन्वर्जन एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन, E1CB से एक बार क्वेश्चन इस बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये सब हम रिएक्शन पढ़ेंगे। मैंने बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? एसिड बेस रिएक्शन करेगा, फिर इसके बाद कौन सा करेगा? एडिशन रिएक्शन करेगा, फिर उससे स्लो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कभी एनर्जी लगानी पड़ सकती है, कभी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि फास्ट रिएक्शन करेगा तो हमें एनर्जी चाहिए ही नहीं चाहिए,
उससे थोड़ा स्लो जरूर है लेकिन एनर्जी नहीं चाहिए। एडिशन रिएक्शन में हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मीडियम वाली बात होती है, यानी कभी एनर्जी चाहिए होता है कभी एनर्जी नहीं चाहिए, यानी फास्ट भी कर सकता है स्लो भी कर सकता है, यानी इन बिटवीन में मामला रहता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तभी आप देखोगे एलिमिनेशन रिएक्शन कभी कहीं भी देखो वहाँ पे जरूर क्या रहता है, हीट। अगर हीट प्रेजेंट है वहाँ पे आपको दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए एलिमिनेशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, एलिमिनेशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे, ठीक है। यानी टॉप टू बॉटम आने पे यहाँ पे मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ, जो अपने आप रिएक्शन होती है उसको क्या बोला जाता है, स्पॉन्टेनियस। जो अपने आप रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस। जो अपने आप रिएक्शन ना हो यानी उसको रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी देना पड़े उसको बोला जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस। ये अपने आप रिएक्शन हो रही है इसको एनर्जी देना पड़ रहा है, और यहाँ से देखो अपने आप बहुत फास्ट रिएक्शन हो रही है, उससे थोड़ा स्लो यहाँ पे एनर्जी देने के धीरे धीरे रिक्वायर्ड पड़ गई, यहाँ पे एनर्जी चाहिए ही चाहिए। यानी टॉप टू बॉटम आने पे स्पॉन्टेनिटी डिक्रीज होती है। ये बात थोड़ा हम समझ लेते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन लगाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एसिड बेस रिएक्शन, उसके बाद एडिशन रिएक्शन, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन, ये बहुत जरूर सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आत्मा है, आत्मा का जानना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सारे सिलेबस हमने डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पहला चैप्टर, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, ये सब सारा सिलेबस हो गया, कैसे आएगा, लगभग 14 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं, ध्यान देना, इस चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है। और मैं बार बार ध्यान देता हूँ, जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, बहुत लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैथ ग्रुप होते हैं उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक होती है, लेकिन मैं ध्यान देता हूँ, मेरे साथ अगर 6 महीने आप लगे रहें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हवा हो जाएगी, एकदम मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा अगर ध्यान से पढ़े और अच्छे से पढ़े तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखा हूँ, अब मैं आपको पीजीटी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी तक हमने आप लोगों को सिलेबस बताया था, अब स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम डाल दो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है, जैसा कि हम पहले ही बता रखे हैं, पहला जो टॉपिक है क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, पहले वो डेफिनेशन समझते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। समझो बात को, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साइड से जाना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड को जाना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाना, ठीक है। पहले समझो बात को, क्या है डेफिनेशन, क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप टू हायर इलेक्ट्रो नेगेटिव
ग्रुप और एटम, ठीक है, सुना ध्यान से, सिग्मा इलेक्ट्रॉन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड जा रहा है उसी को बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन नॉट सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड अगर जाता है आता है वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में। सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन अगर पूछता है क्वेश्चन में तो वो बोला जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन अगर हो रहा है तो बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान देना यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे फोकस करना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप टू कहाँ से कहाँ जा रहा है, टू मतलब हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम रहेगा ग्रुप रहेगा उस साइड जाएगा और लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, ठीक है, क्लियर बात होगी। जैसे सपोज दैट कार्बन है और मैंने ऑक्सीजन लगा दिया यहाँ पर, अब आपको साफ साफ पता है, क्या साफ साफ ये पता है ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये क्या होता है कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ जाएगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ जाएगा, कार्बन टू ऑक्सीजन जाएगा, यानी कार्बन से ऑक्सीजन की साइड जाएगा, यानी येलो कलर शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो दूसरा कलर चूज करता हूँ, कहाँ से जा रहा है कार्बन से ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि कार्बन क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये गया ही क्यों है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब इसको समझते हैं, समझ ले कार्बन का है ये ऑक्सीजन का है, कार्बन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 6 होता है 1s2 2s2 2p2, इसका कितना होता है 8 होता है 1s2 2s2 2p4, यानी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने हैं 2, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ लगा दिया मैंने, एक यहाँ लगा दिया, यहाँ पे कितने हैं 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। न्यूक्लियस में क्या रहता है न्यूट्रॉन रहता है प्रोटॉन रहता है, न्यूक्लियस में क्या रहता है न्यूट्रॉन रहता है प्रोटॉन रहता है, ध्यान से देखना, एक कार्बन मैंने बनाया है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया है, आपको ध्यान में समझ में आना चाहिए न्यूक्लियर पावर जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में ये होता है पीरियोडिक टेबल, इधर से इधर जाने पे एटॉमिक नंबर बढ़ता है प्लस न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी बढ़ता है, ध्यान देना, इधर से इधर जाने पे नाइट्रोजन कहाँ होता है यहाँ होता है, कार्बन क्या ऑक्सीजन क्या होता है यहाँ होता है, कार्बन क्या होता है यहाँ होता है, तो इधर से इधर जाने पे क्या होता है, इधर से इधर जाने पे एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है और प्लस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी बढ़ेगा, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ेगा तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ेगा यहाँ पे पावर बढ़ रहा है, जब पावर बढ़ रहा है बढ़ गया, सपोज दैट यहाँ पे कम पावर है यहाँ से जो इनका अट्रैक्शन होता है ये और यहाँ पे अट्रैक्शन सिर्फ दो ही है,
यहाँ पे न्यूक्लियर पावर कम आपको दिख भी रहा है क्योंकि मैंने छोटा सा बनाया, छोटा सर्कुलर किया है और छोटा काला किया है ब्लैक। यहाँ पे ज्यादा न्यूक्लियर पावर देखो ध्यान से, यानी न्यूक्लियर इफेक्ट ज्यादा है यहाँ पे, न्यूक्लियर इफेक्ट ज्यादा है, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यहां से, इलेक्ट्रॉन कोई इसको चाहता है, इलेक्ट्रॉन लवर होता है, यानी न्यूक्लियर पावर ज्यादा हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन लवर हो रहा है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है, इसलिए ऑक्सीजन क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है मोर न्यूक्लियर पावर रखता है एज कम्पेयर टू कार्बन, इसी वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने साइड, ठीक है, कहां से कहां तक, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भाई कमजोर है इनसे दे देगा, इनका यहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इनके पास, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाएगा, इसी वजह से न्यूक्लिक इफेक्ट यानी सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्यों बढ़ता है, आप देखोगे लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट सबसे ज्यादा जो होता है फ्लोरीन का होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्यों होता है, क्योंकि उसकी न्यूक्लियर पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन से भी ज्यादा होता है क्योंकि उसकी न्यूक्लियर पावर और ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन। सबसे ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सबसे ज्यादा लेस, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, ठीक है, समझ गए, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होगा, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखते हैं कहां से कहां जाएगा, चलो जैसे सपोज दैट मैंने मान लिया कार्बन 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 और यहां पे मैंने एक्स दे दिया और यहां पे दूसरा हमने कंडीशन ले लिया कार्बन 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 कार्बन, यहां पे वाई कर दिया, ठीक है, तो वाई कर दिया, एक्स को मैंने मान लिया ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने सपोज दैट मान लिया, यहां पर वाई मैंने मान लिया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, मतलब यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू कार्बन से, वाई यहां पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू कार्बन से, तो होता क्या चीज है वो समझते हैं यहां पे, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा कार्बन से, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी साइड, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा, ठीक है, यहां से भी थोड़ा बहुत जाएगा, यहां से भी जाएगा थोड़ा बहुत, इस साइड मूव करेगा। अगर यहां पे वाई क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज कंपेयर टू कार्बन, यानी कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया, यानी कार्बन कैसा हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया एज कंपेयर टू वाई, यानी कार्बन से इलेक्ट्रॉन, तब कार्बन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया ना एज कंपेयर टू वाई, तो वाई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो वाई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस साइड आने लगेगा, यानी ध्यान से सुनना ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस जगह से निकल रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही कमी, वहां पे क्या हो रही इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी को हम पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी से किससे दिखाते हैं पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं, समझ गए बात, इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहा है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है और इलेक्ट्रॉन की कमी को वहां पे पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं, अब जहां जाता है इलेक्ट्रॉन कहीं गया या एक जगह से दूसरी जगह गया, और जहां पे इलेक्ट्रॉन गया वहां पे कौन सा चार्ज जनरेट करेगा नेगेटिव, यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, यानी यहां पे ध्यान से देखो कार्बन से इलेक्ट्रॉन एक्स पे गया, कार्बन से इलेक्ट्रॉन एक्स पे गया तो यानी कार्बन पे चार्ज जनरेट कैसा हो गया पॉजिटिव, एक्स पे कैसा चार्ज जनरेट हो गया नेगेटिव, एक्स पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है,
और एक बात ध्यान देना, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है पार्शियल इफेक्ट होता है, यानी थोड़ा बहुत खींचेगा, ये नहीं पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस बात का ध्यान देना। पार्शियल इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये नहीं कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, यानी जब पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, यानी फुल्ली पॉजिटिव, फुल्ली पॉजिटिव एंड फुल्ली नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं करेगा, तो पार्शियल चार्ज जनरेट करेगा, यानी डेल्टा को क्या बोला जाता है, पार्शियल, यानी आंशिक रूप से, पार्शियल मतलब होता है आंशिक, थोड़ा सा, आंशिक, आंशिक रूप से खींचेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, क्लियर है बात। तो आंशिक रूप से खींचेगा, तो आंशिक रूप से खींचेगा, तो यानी यहाँ पे क्या चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और दूसरे वाले पे वहां से भी इलेक्ट्रॉन गया है, यानी डबल पार्शियल, अगर एक पार्शियल अगर 10% बोल रहे हैं तो यानी और ज्यादा पार्शियल, यानी डबल पार्शियल, डबल पार्शियल क्या बोलेंगे, 5%, अगर एक जगह से यहां इलेक्ट्रॉन गया है तो इसको बोलेंगे डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलेंगे ट्रिपल पार्शियल, डेल्टा मतलब पार्शियल, ठीक है, ये मत समझ लेना यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव एक ही है, पार्शियल पार्शियल ज्यादा लगाए हैं, पार्शियल पार्शियल ज्यादा लगाए हैं, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा लगाए हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ओनली ऑन अप टू 3 कार्बन, ये बात लिख लेना, लिखो पॉइंट, पॉइंट डाल के लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट ओनली पार्शियल इफेक्ट, यानी पार्शियल सिग्मा इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, ठीक है, लिखो इंडक्टिव इफेक्ट ओनली पार्शियल सिग्मा इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। दूसरी पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट इज, इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, क्यों परमानेंट इफेक्ट मैं बताता हूं अभी, इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट। तीसरी पॉइंट लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट इज वर्क ऑन ओनली, इंडक्टिव इफेक्ट इज वर्क ऑन ओनली अप टू 3 कार्बन, सिर्फ 3 कार्बन तक वर्क करता है, इंडक्टिव इफेक्ट वर्क ऑन ओनली अप टू 3 कार्बन। तीसरी पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट जो भी होगा तीसरी या चौथी, ड्यू टू, क्यों 3 कार्बन, ड्यू टू डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे डिस्टेंस था थोड़ा अच्छा वर्क किया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा जनरेट किया, यहाँ पे कम पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया, यहाँ पे कम किया, यहाँ पे किया ही नहीं, इस पे क्या होगा, इस वाले कार्बन क्या होगा, नेग्लिजिबल, यानी यहाँ पे इफेक्ट ही नहीं शो करेगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव, इंडक्टिव इफेक्ट का नेग्लिजिबल इफेक्ट रहेगा, इफेक्ट ही नहीं आएगा, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट का नेग्लिजिबल इफेक्ट रहेगा चौथे कार्बन पे, चौथे कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, चौथे कार्बन पे इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल रहेगा, ठीक है, नेग्लिजिबल रहेगा। वन टू थ्री, ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, इस पे समझ में आ गया, अब यहां पे क्या, वाई से इलेक्ट्रॉन गया है, कहां पे गया है, कार्बन पे गया है, यानी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला था जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे क्या चार्ज जनरेट करता है, पॉजिटिव, और मैंने बोला था पार्शियल इफेक्ट होता है इसलिए डेल्टा लिखेंगे, यानी यहां वाई पे क्या चार्ज जनरेट होगा, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, डेल्टा पॉजिटिव, और यहां कार्बन पे क्या चार्ज जनरेट होगा, नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डबल डेल्टा नेगेटिव, ट्रिपल डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा मतलब पार्शियल, दो डेल्टा मतलब वो होता है डबल पार्शियल, और ज्यादा पार्शियल यानी और ज्यादा आंशिक रूप से, ट्रिपल मतलब और ज्यादा आंशिक रूप से, यानी अगर कहीं पे अगर फर्स्ट कार्बन पे आना, फर्स्ट कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन का आना जाना हो रहा है तो 10% हो रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन का आना जाना हो रहा है तो 5% हो रहा है, तीसरे कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन का आना जाना हो रहा है तो 1% हो रहा है, चौथे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जाना आना जाना इंडक्टिव इफेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं करता, यानी चौथे कार्बन पे नो इफेक्ट, ठीक है, इस बात को क्लियर हो गई, और इस बात को ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना, यहाँ पे जो चार्ज जनरेट हुआ, माइनस चार्ज जनरेट हुआ, माइनस चार्ज जनरेट होने की वजह से, माइनस चार्ज जनरेट होने की वजह से इस एक्स ग्रुप को बोला जाएगा माइनस आई ग्रुप, यानी एक्स कैसा ग्रुप होगा, ये
माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इस पे चार्ज माइनस जनरेट हो रहा है, माइनस आई ग्रुप या माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा क्या बोला जाएगा, वाई, वाई पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, वाई पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, यानी उसको बोला जाएगा प्लस आई ग्रुप। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब कहां से माइनस आई इफेक्ट, और ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये इफेक्ट जो शो कर रहा है, इस पूरे इफेक्ट को बोला जाएगा माइनस आई इफेक्ट। क्लियर हुई बात। और इस पूरे पूरे प्रोसेस को, इस जो इफेक्ट हो रहा है उसको क्या कौन सा इफेक्ट बोला जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट, यानी प्लस आई इफेक्ट। क्लियर हुई बात। जो जो ग्रुप लगा हुआ है, जो ग्रुप लगा है कार्बन के छोड़ के, उस पर जो चार्ज जनरेट होता है उसी के चार्ज के नाम से उसका नाम पड़ता है। इस जो ग्रुप लगा था एक्स, एक्स पे चार्ज जनरेट हुआ माइनस आई, इसलिए इसका नाम पड़ गया माइनस आई ग्रुप। और जो इफेक्ट जो एक्स शो करता है, इसकी वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट बोले थे। वाई पे चार्ज जनरेट हुआ, वाई पे जो चार्ज जनरेट हुआ कार्बन को छोड़ के, ये नहीं कार्बन की बात करें, कार्बन पे छोड़ के जो इस पे जो ग्रुप लगा रहेगा उस पे जो चार्ज जनरेट होगा उसको बोला जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी प्लस आई ग्रुप, और यानी इसको प्रोसेस को बोला जाएगा प्लस आई इफेक्ट। क्लियर हुई बात। अब हम समझते हैं, इतनी बातें हो गई, अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पे देखो धीरे धीरे चलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस कार्बन पे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस कार्बन पे ज्यादा है, बताओ ध्यान से बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस कार्बन पे ज्यादा है, किस कार्बन पे ज्यादा है जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां से इलेक्ट्रॉन गया है यानी पॉजिटिव चार्ज, यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी हुई है, यानी अगर 1% यहां माइनस 10% यहां से निकल के यहां चला आया, ठीक है, यानी 10% इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से यहाँ निकल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है 5% निकला है, यानी 95% बचा होगा, यहाँ पे कितना बचा है 90% बचा होगा। इस कार्बन पे अगर 5% निकला हुआ है, 5% माइनस हुआ है, यानी कितना बचा होगा 95% बचा हुआ। यहाँ से अगर 1% निकला हुआ है तो यहाँ से कितना 99% बचा हुआ, यहाँ पे कितना 100% पूरा का पूरा बचा, नेग्लिजिबल इफेक्ट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें सबसे ज़्यादा C4 पे होगा, उसके बाद C3 पे होगा, उसके बाद C2 पे होगा, उसके बाद C1 पे होगा। यहाँ पे सेम बात करें हम, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन, किस कार्बन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो किस कार्बन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब साफ साफ ध्यान देखो, यहाँ पे 10% इलेक्ट्रॉन वाई का आया हुआ है, यानी 100% था, 10 और जोड़ दो 110% हो गया। यहाँ पे 5% वाई का इलेक्ट्रॉन आया 105% हो गया, यहाँ पे 1% आया 101% हुआ, यहाँ पे 100 का 100 ही रह गया। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, C1 में होगा, उसका C2 होगा, उसका C3 होगा, उसका C4 होगा। क्लियर है बात, इस बात के लिए ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, समझ गए होंगे आई थिंक। यहाँ पे समझो, जो पहला कार्बन होता है, एक बार ध्यान देना, हमेशा 10% का लेना देना होता है, ऐसे समझ लो, ठीक है। उसके बाद 5% का लेना देना होता है, उसके बाद 1% का लेना देना होता है, उसके बाद होता ही नहीं। यानी यहाँ से वाई से इलेक्ट्रॉन कार्बन पाया है, वाई से इलेक्ट्रॉन कार्बन पाया है, यानी 10% अगर आया है तो 100% पहले से था 110 हो गया, 5% आया है 105 हो गया, 1% आया 101% हो गया, 100 100। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, C1 पे ज़्यादा है, C2 पे ज़्यादा, उसके C3 पे, उसके C4। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच, ये वही जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहां पे होगा, ये वही जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, अब आप लोग खुद ही बताओ, इलेक्ट्रॉन अटैक सबसे पहले कहां पे करेगा, किस कार्बन पे अटैक पहले करेगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच, और ये उसी कार्बन पे जाकर अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगा। सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे है, C1 पे है, C1 पे जाकर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक अगर हम अटैक कराएं इस कंपाउंड में, C1 पे सबसे ज्यादा अटैक करेगा, उसके बाद C2 पर अटैक करेगा, उसके बाद C3 पे अटैक करेगा, उसके बाद C4 पर अटैक करेगा, ठीक है। तो और इलेक्ट्रोफिलिक अगर मैं अटैक की बात करूं इस कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक,
इलेक्ट्रोफिलिक मतलब होता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे जाकर अट्रैक करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। ये इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे जाकर अटैच होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है वहीं पे जाकर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है। यानी ये कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होता है, सी फोर में ज़्यादा होता है, ये हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं, यानी सी फोर सी थ्री सी टू सी वन, ठीक है, क्लियर हो गई बात। और यहीं पे मैं बात करूँ न्यूक्लियोफाइल, इस वाले में न्यूक्लियोफाइल अटैक सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, न्यूक्लियोफाइल वहीं जाकर अटैक पहले करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सबसे ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है बताओ आपको, सबसे ज़्यादा सी फोर पे, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सी फोर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर अटैक करेगा, सी फोर में अटैक करेगा, उसके बाद सी थ्री में अटैक करेगा, उसके बाद सी टू पर अटैक करेगा, उसके बाद सी वन पर अटैक करेगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक की बात करूँ, इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ये वहीं जाकर अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, हम ऑर्डर पहले ही लिख लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सी वन में सबसे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा अटैक कहाँ पे करेगा, सी वन में अटैक करेगा, उसके बाद सी टू पर अटैक करेगा, उसके बाद सी थ्री पर अटैक करेगा, उसके बाद सी फोर पर अटैक करेगा। क्लियर होगी बात, ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए, कहाँ पे कौन अटैक करेगा, कहाँ पे किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, ये भी हम समझ गए, ये भी समझ गए। माइनस आई ग्रुप क्यों, किस नाम से पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये सब हम देख लिए। माइनस आई ग्रुप वो उसको बोलेंगे कार्बन को छोड़कर जिस एटम की वजह से वहाँ पे अगर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर क्रिएट हो रहा है तो उसको प्लस आई ग्रुप बोलेंगे, अगर माइनस आई ग्रुप, माइनस आई चार्ज, माइनस चार्ज जनरेट हो रहा है तो उसको माइनस आई ग्रुप बोलेंगे, और उस पूरे इफेक्ट को बोला जाएगा माइनस आई इफेक्ट, इस पूरे ग्रुप को बोला जाएगा प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब आप लोग होपफुली समझ गए होंगे, अब पॉइंट वाइज एक बार मैं फिर लिखवा देता हूँ क्या क्या है, लिखवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो पहला हम क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है कहाँ से, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टूवर्ड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। दूसरी पॉइंट, ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ये में तीसरी पॉइंट, पार्शियल चार्ज जनरेट करते हैं, पार्शियल चार्ज जनरेट करते हैं जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझो बात को, तीसरा पॉइंट क्या है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट यानी डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, कितना डिपेंड करते हैं, कितना तक, वर्क ऑन ओनली अप टू थ्री कार्बन, इतनी बातें अभी तक हमने देखा, ठीक है, इतनी बातें अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। अब माइनस आई ग्रुप प्लस आई ग्रुप, अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी, लगभग एक घंटा हो गया होगा, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट एंड प्लस आई ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऑर्डर कैसे याद करना है, कैसे लर्न करना है, कैसे समझना है, प्लस आई ग्रुप प्लस फिर माइनस आई ग्रुप माइनस आई इफेक्ट, फिर उसके बाद उसके एप्लीकेशन एसिडिटी एंड बेसिसिटी के क्वेश्चन आपको लगाने हैं, आपको जरूर एसिडिटी एंड बेसिसिटी क्वेश्चन लगाने हैं। और मैं, ये पहला लेक्चर हमारा था, अब मैं बुक बता दूं एक बार, बुक एक बार परचेज कर लो एमएस चौहान की, इससे जरूर आपको प्रैक्टिस करना है, आपको एमएस चौहान की एलिमेंट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मार्केट से परचेज कर लो, नहीं मार्केट से परचेज कर पा रहे हो तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, आजकल अमेजोन फ्लिपकार्ट इन सब पे अवेलेबल है, सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है ये बुक, सॉल्यूशन के साथ लेना है, ठीक है, लगभग 500-600 रुपये बुक है, सॉल्यूशन के साथ बुक लेना है, ये जरूरी है प्रैक्टिस के लिए, बुक खरीदनी ही खरीदनी है आपको, नहीं प्रैक्टिस कर पाओगे सिर्फ थ्योरी की थ्योरी रह जाएगा,
लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, तो ये बुक ज़रूर खरीदना है और इस बुक से प्रैक्टिस करना है। अगर आपको पीजीटी केमिस्ट्री क्रैक करना है 2022 का, तो आपको ये ज़रूर पढ़ना है। तो ये नीट के लिए होता है, जो नीट का सिलेबस होता है हमारा पीजीटी का भी सिलेबस होता है, तो इसलिए ये नीट की बुक होती है, यही में पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस और लेवल जो होता है सेम ही होता है, सिलेबस और लेवल सेम ही होता है। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट, उसके बाद एसिडिटी एंड बेसिसिटी, और उसके जो भी एप्लीकेशन रहेंगे वो सारा हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आएंगे रेजोनेंस पे। ठीक है, थैंक यू सो मच।